बीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके जी बहुत कारण है। ये बस ट्रिगर हुआ है अभी इस बात पे कि वो गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी नोटिस के घुस गए थे, बच्चों को कोर्शन करके घुसे उनके कमरों में, बट असल में लड़कियों के कमरों में, बट असल में तो इसके काफी कारण है। इसका हमारे मई में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, हमारे चार बैचमेट्स की जाने गई थी और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से। हम लोग का इन आउट टाइम का बहुत ज्यादा इशू है। अभी एक नोटिस निकला है, ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और इसका नोटिस निकला है अभी कि अगर 8 बजे के बाद कोई बच्चा अगर गलती से लेट हो गया तो फिर कोई एंट्री मिलेगी ही नहीं। आप चाहे कितने भी एप्लीकेशन लिख दो, आप पेरेंट्स से बात करा लो, एंट्री मिलेगी ही नहीं कॉलेज में। आपको बाहर आपकी मर्जी, आपको जहाँ रहना है, आपको रोड पे रहना है, आप रह लो। मई में एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद हमने इतना उनको बोला कि आप यहाँ इस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स लगाएं, यहाँ पे एक पुलिस चौकी लगाएं, यहाँ पे आए थे हॉस्टल में, वो क्या घटना हुई जी? वो उनने बोला कि वो मेस में खाना टेस्ट करने आए थे, तो वो उन्होंने खाना लिया है जूठा करके, उन्होंने एक दूसरी स्टूडेंट को बोला है कि ये वापस खाना रख दो, ये सब्जी वापस डाल दो। तो हमने उन्हें बोला है कि अलाउड नहीं होता, ये जूठा खाना वापस कंटेनर में नहीं डाल सकते। मेस के अंदर वो फिर उसके बाद वो हॉस्टल में गए जी, वो बिन हॉस्टल में जब घुसे थे तब जी, जब वो हॉस्टल रूम में घुसे थे तब किसी को कोई नोटिस नहीं थी, हमारी वार्डन को भी नोटिस नहीं थी। वो बस घुस गए थे अंदर और गार्डों ने उनको देखा और बिल्कुल मतलब ऐसे सरप्राइज होके उन्होंने वार्डन को फोन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी वार्डन कैंपस पे ही रहती है, तो वो आ गई खुद संडे सुबह, वो आई हैं बिना रेडी हुए, वो बस आ गई हैं क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए था कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल में अकेले घूमे बिना किसी फीमेल फैकल्टी के। प्रोटेस्ट कितने बजे शुरू हुआ था? प्रोटेस्ट 6 बजे शुरू हो गया था। उसके बाद वीसी साहब आए बाहर? वीसी साहब रात को 8:30-9 बजे के अराउंड बाहर आए थे और हमने उन्हें जितनी भी बोला कि हमें ये इश्यूज हैं, तो उन्होंने मानी बात की? बिल्कुल नहीं मानी, उन्होंने हर एक चीज पे मना कर दिया। तो अभी आज प्रोटेस्ट चल रहा है? हाँ जी, हाँ, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारे वीसी सर रिजाइन नहीं करते। और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई धमकी वगैरह भी आई है जो बाहर बच्चों को जाने नहीं दिया जा रहा? जी, असल में गार्ड्स को ऑर्डर आया है कि अगर कोई बच्चा गेट के बाहर जाता है या फिर मीडिया से बात करता है तो उनकी गार्ड्स वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो से पता चलेगा कि कल सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा उस बच्चे का। तो यही कारण है आपने फेस ढका हुआ है? जी बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, मतलब हम पिछले अभी इस साल से ये सब झेल रहे हैं। हम लोग ने एज गर्ल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, सब ने बहुत इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फेस किए हैं वीसी से की साइड से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से। कमेंट्स कुछ बताना चाहेंगे आपके पास? और अगर हम लॉ स्टूडेंट्स होके अगर इसकी हम लॉ जी, हमारा अभी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था जिसकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो एग्जाम देता है, उसके रिजल्ट अच्छा आता है, 90-95 से ऊपर आते हैं तभी उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं। उसको हरासमेंट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको बोला है कि वो बीपीएल स्टूडेंट है, उसको बोला गया है कि तुम अभी फीस भरो, तुम्हें एग्जाम के बाद स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, ठीक है तुम चाहे बैंक से लोन ले लो, तुम बैंकक्रप्ट हो जाओ कोई बात नहीं, बट तुम फीस भरोगे। और उसको बोला गया, उसको ये एग्जैक्ट कोटेशन बोला गया है कि अगर औकात नहीं होती है तो इतने हाई लेवल इंस्टीट्यूशन में क्यों आते हो, कोई ऐरे गहरे कॉलेज से 3 ईयर का बीए कोर्स क्यों नहीं कर देते? अभी कोई मीटिंग वगैरह भी हुई है? जी नहीं, हम उनको बोल रहे हैं, हम वीसी सर को बोल रहे हैं कि हमें, हम सारे स्टूडेंट्स को आपके साथ मीटिंग में बैठना है, बट वो मान नहीं रहे हैं। वो फैकल्टी को, टीचर्स को बाहर भेज रहे हैं बोलने के लिए कि हम में से सिर्फ 2-3 बच्चे अंदर आ जाए ताकि वो अंदर सारी की सारी फैकल्टी उन 2-3 बच्चों को ऐसे प्रेशराइज करे और बोले कि प्रोटेस्ट रोक दो। तो हमने इस बात के लिए नहीं माना है, हम बस बोल रहे हैं हमें वीसी सर से बात करनी है और हम जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें वहां पे वो चाहिए।